जो चीज आप देख रहे हैं ये हमारे पौधे के लिए लक्ष्मण बूटी की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे अभी ठंड शुरू होगी और हमारे पौधे में बहुत सारी परेशानियां शुरू होंगी। जैसे कि पौधे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मिलीबग का, तो ये आज मैं एक समाधान लेके आई हूँ जिससे कि हमारे पौधे काफी हेल्दी रहेंगे और पौधे की साथ साथ रूट्स अच्छी होंगी। पौधे अगर आपके हेल्दी रहेंगे तो आप समझ रहे हैं आपके पौधे में फल फूल सब्जी सभी कुछ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो दोस्तों आज मैं जो समाधान आपके लिए लेके आई हूँ उसे जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में, और देखिए कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठंड की शुरुआत मतलब हमारे लिए परेशानियां भी बहुत लेके आती हैं। इस मौसम में हमें फूल तो बहुत मिलते हैं, पर इसी मौसम में हमें पौधे में फंगस का लगना और मिलीबग का लगना, चींटियां भी काफी परेशान करती हैं। सबसे ज्यादा हमारे पौधे में फंगस लगते हैं। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि पौधे की पत्तियां धीरे 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 करके खत्म होते जाती हैं, उसके बाद हमारे पौधे भी सूख जाते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पौधे में कीड़े रहते हैं जो कि हमें दिन के टाइम पे दिखाई नहीं पड़ते हैं, और रात के टाइम पे वो निकल के और सारी पत्तियां को खा जाते हैं। दूसरी चीज है हमारे पौधे की मिट्टी जो होती है, मीन्स गमले की मिट्टी हो या फिर जमीन में हो, ऐसे तो जमीन में बहुत कम ही फंगस लगते हैं, क्योंकि अगर जमीन में धूप नहीं भी लगती है तो जमीन की मिट्टी पानी नहीं रुकती है उसमें, तो हमारे गमले में बहुत ज्यादा ये फंगस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जिससे कि पौधे सूख जाते हैं। आप देखेंगे कि जब धूप नहीं आती है तो आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया उपाय लेके आई हूँ, आप वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बिल्कुल फ्री की चीज़ जो कि आपको घर में ही मिल जाएगी। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि लगभग सभी घरों में मिल जाते हैं, और ये समझ सकते हैं आप कि ये जीरो बजट में आप अपने गार्डन को एकदम सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये है क्या चीज दोस्तों, ये कपूर है जो कि लगभग सभी घरों में मिल जाते हैं। कपूर भी दो तरह के आते हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आते हैं जो कि गोल गोल टिकिया में होती है और एक ऐसे ही टुकड़े में आते हैं। तो ये वाले कपूर काफी अच्छी होती है, अगर आपको ये मिलती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल वाली टिकिया भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी है आप उसको यूज करिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों का ही असर लगभग सेम ही होगा। तो आप इसमें दोनों में से कोई भी आप अपने गमले के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 गोली का यूज कर रही हूँ। तो अब इसे करना क्या है दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी नुकसानदेह होती है, इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने गोली डाले हैं, और ये गोली आप अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, क्योंकि ये ठंडे पानी में ये टिकिया नहीं घुलती है। तो अब हम इसे घोलने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो मैं पानी ली हूँ ये गर्म पानी है, तो आप इसके लिए गर्म पानी लेंगे, पर गर्म पानी को आपको पौधे पे यूज नहीं करना है। मैं बताती हूँ आगे क्या करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ मैं गर्म पानी ली हूँ और इसको मैं इसमें डाल दी हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये पिघल गया है। तो ये कुछ ऐसे भी ऑयली होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ये ऊपर साइड से दिखेगा। तो मेरे पास दोनों ही टिकिया थे, पर मैं गोल वाली टिकिया यूज कर रही हूँ।
तो ये देखिए ये पानी में घुल गया है, और घुलने के बाद अब मैं इसे क्या करूंगी दिखाती हूँ अभी आपको। दोस्तों ये घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे अच्छी तरह से घुलने दीजिए। पर मैं इसे घुलने के लिए तो ज़्यादा देर नहीं छोड़ रही हूँ, ये हल्का घुल गया है तो मैं इसे अभी छान ले रही हूँ। अगर आप देखें कि ये कुछ ऊपर से दिख रहे हैं दाने दाने, तो आप इसे थोड़ा सा छान लीजिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिलाना है, ना ही इसे परेशान होने की कोई ज़रूरत है। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बना रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं स्प्रे बॉटल में भर ली हूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर मैं इसे थोड़ा खाली की हूँ। तो दोस्तों इसमें अब मैं डालूंगी ये है नीम ऑयल। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप इसे डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसका ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। पर इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सर्फ हो या लिक्विड सोप हो या कुछ भी, आप इसमें कुछ भी नहीं डालिए। बस इसे हम ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये 3 से 4 बूंद ही हमें यूज़ करना है, इसमें डालना है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखेंगे कि ये कुछ वाइट वाइट सा दिखने लग रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसे लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम अपने पौधे पे स्प्रे करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ बताती हूँ आपसे कि यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि आप उसे 1 या 2 पौधे पे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि दोस्तों अगर आप पहली बार कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसे आप पहले अपने पौधे पे यूज करिए। दोस्तों यहाँ मैं यूज की हूँ, उसके बाद मैं 1 वीक के बाद आप सभी के लिए वीडियो ला रही हूँ। इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला और हमारे पौधे पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी नहीं यूज करिएगा, नहीं तो आपके पौधे सूख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कि मैंने सभी पौधे पे स्प्रे कर दिया है और इसे आप कम से कम वीकली अपने पौधे पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसका इस्तेमाल किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।